विशेषज्ञ जो है ना श्री कैलाश चंद्र भट्ट गोपेश्वर भट्ट हमारे बीच पहुंचे। भट्ट जी नमस्कार। नमस्कार ध्यान जी, खूब छे ना? हाँ, आप लोग राजी खुशी आनंद मंगल सब बढ़िया बढ़िया, हर परिवार में आनंद आनंद छे। बहुत बहुत शुभकामना। श्रोतारों तो बतौला कि भट्ट जी ने अपन ये परिधान में नए प्रयोग करी की गढ़वाल का उत्तराखंड का ये परिधान थे विश्व विख्यात कर। मैं एक बार कहीं एक यहाँ से अदर स्टेट गया था, तो मैं वहाँ किसी आदमी की सिर में टोपी देखी है। तो मैंने उनको पूछा कि भाई साहब ये टोपी, मैंने तो थोड़ा पूछ लेते, इतने दूर ही टोपी आए हुए, तो भाई बनाई तो मैंने ही है, लेकिन आई कहाँ से, क्या क्या है इसका पीछे? मैंने बोला भाई साहब टोपी कहाँ मिलती है, गया उनके पास। उन्हें कहा भाई साहब ये कि ये गोपेश्वर में एक कोई मेरे दोस्त हैं कैलाश भट्ट, और बहुत अच्छी टोपियाँ बनाते हैं, डिमांड पे बनाते हैं ये सर, मैं अभी आपकी बात करा देता हूँ उनसे, आपको कितनी टोपियाँ चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि यार ये आदमी मुझे पहचानता है नहीं मेरे बारे में, जो कि अच्छी फेंक रहा है, लेकिन क्या क्या किया जाए। अगर मैं कहता हूँ कि मैं ही कैलाश भट्ट हूँ, तो ये तो बेचारा बड़ा शर्मिंदा हो जाएगा। फिर मैं उसे खिसक गया, वो कह रहा नहीं भाई जी आप बात कराता हूँ मैं भी आपकी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो कम से कम लोग मुझे चेहरे से तो नहीं जानते, नाम से जानते हैं, इससे बड़ी चाहिए क्या। पहले तो मेरा मूल काम था कि मैं अपना एक रोजगार, जिसको बोलते हैं हम रोजगार करते थे, कि कपड़ा सिलने काम करते थे, लेकिन कुछ यहाँ के जो सेलिब्रिटी फोक गायक हैं उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ जब करते हैं, अच्छे ड्रेस बनाते हैं, तो आप कम से कम ये भी शोध करिए कि पहाड़ का आदमी क्या पहनता था और क्या था इससे पूर्व में। तो फिर कुछ ऐसा ही मुझे बस ये वाक्य जो कि मेरे को छू गए, और फिर मैंने अपना ट्रेडिशनल ड्रेसों पे काम करना शुरू किया, और उसमें शोध अभी कर ही रहा हूँ और करते आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँ। यहाँ पहाड़ों का जो शब्द होता था वो टोपी नहीं था, टोपी का विशुद्ध जो शब्द होता था उसको यहाँ पहाड़ों में सिकोली बोला जाता था। उस जमाने में टोपियां ज्यादातर आवश्यकता के हिसाब से टोपियां थी, मत जिसको जो कंफर्टेबल लगा, जिससे जिसको बेनिफिट हो रहा है, पर ठंड से गर्म से कई टोपियाँ ऐसी होती थी कि उनको पहनने के बाद आदमी का 25-25-30-30 किलो सिर पे लेके जाता था, किसी ने कपड़े को भी थोड़ा बांध दिया तो टोपी का रूप ले रहा था। फिर धीरे धीरे करते जैसे फैशन का दौर चलता गया, लोगों ने कुछ ये सोचा कि थोड़ा इसको ऐसा मोटिलाइज किया जाए, तो वो थोड़ा टोपी का रूप लेते धीरे धीरे और चलता गया। हमने पहाड़ दर्शाए, पहाड़ दिखाए, जो आपने एक सिलाई देखी हुई टोपियों में, तो हमने वो पहाड़ों का डिजाइन दिया उसको। फिर उसके बाद हमने उसको एक लहर ऊपर दी, एक नीचे दी, तो उसको हमने गंगा और जमुना मान के, कि पहाड़ और गंगा और जमुना, क्योंकि पहाड़ में कुछ नहीं है, इस पहाड़ में दो ही चीज़ हमारे पास है, एक हमारे पास पहाड़ पत्थर है और एक हमारे पास गंगा और जमुना है, जो नीचे जाके सब कुछ प्लेन को देती है, यहाँ से खाली क्या हो, यहाँ से पत्थर बहा कर ले जाती है, जो पत्थर उसके बस का नहीं होता वो यहीं छोड़ के जाती है।
तो वो उन पत्थरों पे हम लोग घिसते हैं, यहाँ पहाड़ का आदमी घिसता है और उसी पत्थर का जैसा बन जाता है। जो नदी जितने ऊपर से गिरती है उतने आगे का सफर तय करती है। तो मेरा यही मेन कि इसको नए युवा पीढ़ी सीखे, तो ज़्यादातर नहीं, कम से कम हम 60 साल उस युवक की अगर उम्र मानते हैं तो ये काम जो आज का कम से कम 10 साल का बच्चा सीखता है तो 50 साल तक तो ये संस्कृति खत्म हो नहीं सकती। जो काम, जो चीज तुम्हारा मन कहता है कि करो, वो मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ी सीख वही है और वही जिंदगी है। बाकी मैं तो गवर्नमेंट जॉब में था, अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन वहाँ फ्री का खाना पीना था, वो फ्री का हमें पसंद आता कि हमें काम करने में मजा आता है। फिर हमने वो छोड़ कर लिया, मुझे काम ही करना, बस सुकून इधर मिला तो इधर आ गई।